फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अदिति हुंडई फॉर अलाउिंग मी टू शूट दिस वीडियो इन देयर प्रेमिसेस। सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हुंडई वर्ना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के बारे में और उसके स्पेसिफिकेशंस, के फीचर्स, इसके प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हमें तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, एक डीजल और एक मिलता है हमें टर्बो GDI इंजन। तीनों के बारे में आपको इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं बता दूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। चाबी में आपको जो है दो स्मार्ट की देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक, और लॉक अनलॉक करने पर जो है आवाज़ भी आती है इसमें। जैसे मैं अनलॉक कर दूंगा तो एक बार अनलॉक करने पे जो है दो बार आवाज़ आती है। तो यहाँ से आप जो है बूट को अनलॉक कर सकते हो। बूट को आप जो है तीन तरीके से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से होल्ड करके एक अंदर से जो लीवर होता है उसको ओपन ऊपर करके, और तीसरा जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा तरीका है। जैसे ये सेंसर काम कर रहा है और अभी 2, 3, 4, 5 तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी है बूट की वो है 480 लीटर्स की। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्मार्ट ट्रंक ऑप्शन, इट्स गुड। बाकी बात करें, अगर हम फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, फ्रंट लुक आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। आपको इसमें जो है डार्क क्रोम वाली ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी गुड लुकिंग सी है। साफ़ करते रहना पड़ेगा। और सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिलता है। नीचे जो आपको लोअर बम्पर दिया गया है वो भी क्रोम में दिया गया है। और यहाँ आपको जो है प्रोजेक्टर फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें हेडलैम्प्स की तो आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में देखने को मिलते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ, और आपको जो है LED DRL भी देखने को मिल जाती हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक भी दे रही हैं। वरना जो है फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमेशा से ही। और डीजल में तो भाई क्या बिकती है, यह मतलब सेल्स नंबर ही अलग है। पेट्रोल में हालांकि कम बिकती है माइलेज की वजह से। अगर हम बात करें साइड पोर्शन की तो साइड में आपको टायर देखें हम, तो टायर जो है आपको इसमें 195/55R16 टायर मिल जाते हैं। 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, ये ग्रे वाले डायमंड कट नहीं है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट में, और 195/55 सेक्शन के आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर हम साइड की तो यहाँ पर ORV में आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलते हैं। ओबियसली ये जो कलर है वो ब्लैक है, तो ब्लैक कलर के आपको जो है ORV में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इंडिकेटर भी दिया हुआ है। बाकी आउटसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम में देखने को मिल जाते हैं, और जो विंडो बेल्ट लाइन है वो यहाँ पे क्रोम में दी हुई है। इसके एक कवर लगा हुआ है, बाकी इसके नीचे क्रोम ही है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरी पीछे तक जाती है, यहाँ तक ये पूरा यहाँ तक क्रोम में इसमें दिया हुआ है। पीछे के जो आउटसाइड डोर हैंडल हैं वो भी आपको क्रोम में देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें पीछे से तो टेल लैंप की अगर मैं बात करूँ तो पीछे जो टेल लैंप है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। स्प्लिट टेल लैंप इसमें दिया हुआ है। बाकी यहाँ वरना लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और सेंटर में आपको जो है हुंडई का लोगो देखने को मिलता है। बाकी इधर SX की बेजिंग दी हुई है, ये SX वेरिएंट है, SX ऑप्शनल नहीं है। पीछे आपको जो है चार पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, और नीचे आपको जो है एक क्रोम में गार्निश दी हुई है और रिफ्लेक्टर भी दिए हुए हैं। बाकी बात करें यहाँ की तो यहाँ आपको जो है साक्सफिन एंटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है डिफोगर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स का काफ़ी अच्छा मिक्सचर है SX वेरिएंट। और अगर हम बात करें ड्राइवर डोर की तो यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। अनलॉक करने पर जो है दो बार इसमें से आवाज़ आती है, और लॉक करने पर जो है एक बार आवाज़ आती है। हम गाड़ी के अंदर चलने से पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर पर आपको जो है कुछ इस तरह के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप जो है मिरर को कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और लेफ्ट और राइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा वाला आपको एडजस्ट करना है। यहाँ से आप जो है फोल्ड कर सकते हो, अनफोल्ड कर सकते हो मिरर्स को। और ये जो है विंडो लॉक है, ये लॉक अनलॉक बटन है, और यहाँ से पावर विंडो के कंट्रोल दिए हुए हैं। पावर विंडो के कंट्रोल के अंदर जाके बात करते हैं। थर्ड साउंड सुन लीजिए आप इसका, तो थर्ड साउंड काफ़ी अच्छा है, प्यारा है थर्ड साउंड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लग रही है गाड़ी। और जो बैठते आपको जो फील होगा ना, वो ऐसा फील होगा कि यार जब सी सेगमेंट सेडान में आप बैठते हो तो इस खास तौर पे वरना, और सिटी में जब आप बैठते हो तो बैठते ऐसा लगता है यार एकदम मस्त कंफर्ट। और आगे की सीट तो वरना की यार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ही। बाकी स्टेयरिंग की बात करने से पहले मैं वापस यहीं पे आता हूँ, पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हुंडई वरना SX में आपको जो है ड्राइवर पावर विंडो ऑटो डाउन मिल जाती है, और ऑटो अप भी देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, होना चाहिए, इस तरह का फीचर ज़रूरी होता है वेरिएंट्स में। और बाकी आपको मेटल फिनिश में इनसाइड डोर ओपनर दिया हुआ है, और यहाँ से लॉक कर सकते हो। लॉक आप यहाँ से भी कर सकते हो गाड़ी को, अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ बटन दिया ही हुआ है।
बाकी स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग में जो है आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ये जो है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, कॉल कनेक्ट कॉल डिसकनेक्ट के कंट्रोल हैं। बाकी सेंटर में आपको जो है हुंडई का लोगो देखने को मिलता है। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको क्रूज कंट्रोल और MID से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाता है। MID से पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो लेफ्ट साइड में आपको स्पीड शो होगी, डिजिटल स्पीड यहाँ शो होगी, फ्यूल इंडिकेशन यहाँ होगा, बाकी MID यहाँ दी हुई है 4.2 इंचेस की। बाकी यहाँ पर जो है RPM शो होगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और कुछ लाइट्स जो है यहाँ दी हुई है नीचे, वार्निंग लाइट्स कुछ दी हुई है फ्यूल की वगैरह की, बैटरी की, हैंड ब्रेक की, सीट बेल्ट वगैरह की, इंजन चेक लाइट की वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी MID की बात करें तो MID में आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइव इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाती है, डिस्टेंस टू MT वगैरह, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। बाकी बात करें और MID के बारे में, तो यहाँ से आप जो है लाइट्स को जो है वन टच टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प डिले, कुछ इस तरह से आप जो है सेट कर सकते हैं। तो बात करें अगर हम MID की, तो यहाँ पर कुछ यूज़र सेटिंग मिलती है जो कि लाइट्स, डोर्स और कन्वीनियंस के कुछ फीचर्स के लिए, सर्विस इंटरवल वगैरह के लिए दी हुई, थीम सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं और कुछ अदर फीचर भी दिए हुए, लैंग्वेज भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं और रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं। बाकी MID ये जो सारा डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, पूरा डिजिटल है, काफ़ी अच्छा लगता है, सेम टू सेम आपको i20 में भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी बात करें अगर हम यहाँ की, तो यहाँ आपको जो है वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें अगर हम राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं, तो आपको जो है टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है SX वेरिएंट में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं, हम यहाँ की बात कर लेते हैं, ये जो पोर्शन है वो छूट गया है, तो यहाँ आपको जो है हेडलैम्प इल्यूमिनेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है स्विच, और जो ऐसे इवेंट है उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। कुछ इस तरह से आपको वार्निंग जो है देखने को मिलती है, जब भी दरवाज़ा वगैरह ओपन होता है तो इस तरह की वार्निंग जो है MID में आ जाती है, और इस तरह से बंद भी शो होता है। बाकी इसमें आपको जो है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, ये SX ऑप्शनल से थोड़ा सा अलग है, वो HD आता है, HD नहीं है। बाकी यहाँ से आप ऑब्वियसली वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप जो है ट्यून कर सकते हो रेडियो वगैरह में, और यहाँ से कुछ सेटअप वगैरह कर सकते हो। ये कुछ बटन्स ये होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, मतलब सेटिंग्स वगैरह के लिए, ट्रैक सीख करने के लिए, तो ये अच्छा लगता है मीडिया के लिए। तो ये अभी कोई मीडिया सोर्स नहीं है तो ये बता रहा है नो मीडिया अवेलेबल, तो ये अच्छे कुछ बटन्स होने चाहिए, कुछ तो होने चाहिए, सारा टच सारा का सारा टच अच्छा ही लगता। तो कुछ इस तरह की जो है आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। एडेप्टिव जो है गाइडलाइंस भी हैं, आपको जैसे जैसे आप स्टेयरिंग को घुमाओगे आपको जो है पता लगेगा। आपको इसमें जो है स्टेयरिंग भी इलेक्ट्रिक वाला है और ये मोटर ड्रिवन होता है, तो इस तरह का आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। बाकी ग्लव बॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ग्लव बॉक्स आपको जो है कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इसमें इल्यूमिनेशन नहीं है लेकिन ये कूल्ड है, तो कुछ इस तरह का स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर के जो ऐसे इवेंट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं और वो काफ़ी अच्छा है। और बाकी बात करें हम नीचे की, तो आपको इसमें ऑटो AC देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन जो कि प्रीमियमनेस को बढ़ाती है। इस तरह की स्क्रीन जब भी आपके केबिन में होती है तो ये आपकी प्रीमियमनेस को बढ़ा देती है। बाकी बात करें इसके नीचे की, तो यहाँ पर आपको AC ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको जो इंसुलेशन के लिए बटन दिया हुआ है, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर के लिए बटन दिया हुआ है। ये आपको जो है फ्रंट डिफोगर के साथ साथ आपको जो है एयर थ्रो को भी चालू रखेगा ये बटन। बाकी इंटीरियर जो है ब्लैक एंड बेज कलर में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और बाकी जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है वो है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार, ये होना चाहिए। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर एक नेसेसरी चीज़ है यार अच्छी गाड़ी में होना, टॉप मॉडल में तो सभी गाड़ियों में होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बाकी बात करें यहाँ की, तो यहाँ आपको जो है सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह की आपको जो है लाइट्स देखने को मिलती है, LED होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी यहाँ आपको जो सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलता है, सनरूफ जो है आपको वन टच सनरूफ है, कुछ इस तरह से सनरूफ जो है ओपन हो जाती है और ये पूरी ओपन होती है यहाँ तक, थोड़ा इतना गैप रहता है फिर थोड़ा ओपन हो जाता है, वन टच ही आपको जो है बंद भी हो जाएगा, ये इसको जो है आपको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, लेकिन ओपन करने टाइम आपने देखा ये अपने आप खुल जाता है। बाकी बात करें ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरह का फैब्रिक यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ की, तो सनशेड में आपको जो है एक वेंटी मिरर जो है ड्राइवर के लिए दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जनरली ड्राइवर के लिए होता नहीं है वेंटी मिरर। बाकी यहाँ पर आपको को पैसेंजर के लिए भी अवेलेबल है वेंटी मिरर। गाड़ी का कंफर्ट लेवल जो है काफ़ी बेहतरीन है, कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से नीचे की,
यहाँ आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। ये आपको जो है यूएसबी पॉइंट दिया हुआ है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के। बाकी यहाँ पे आपको जो है एक यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आपको कनेक्ट हो रहा है यहाँ वायरलेस चार्जिंग से भी, तो आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड भी दिया हुआ है। बाकी बात करें यहाँ के तो ये गियर स्टिक है जो कि लेदर रैप्ड है और काफ़ी गुड लुकिंग लग रही है, प्रीमियम लग रहा है ये जो लेदर नोब है। और ये आपको 6-speed मैनुअल देखने को मिल जाता है इसके अंदर, AMT का ऑप्शन भी आता है। एक 7-speed का DCT भी अवेलेबल है अगर आप टर्बो पर जाते हो तो। बाकी नीचे आपको जो है 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम, इसके जो सराउंडिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी क्रोम में जो है ये आपको हैंड ब्रेक की टिप देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें अगर हम आर्मरेस्ट की तो इसमें आपको जो है हैंडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा फिनिश में दिया हुआ है, लेदर फिनिश में दिया हुआ है। और ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है और इसके अंदर आपको जो है थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये स्लाइडेबल है, इस कुछ इतना जो है ये स्लाइड हो जाता है, इसको आप ओपन कर पाएंगे जब आप इसे पीछे करेंगे, अगर ये आगे होगा तो आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक बताने वाली बात थी तो मैंने बता दी। बाकी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। बात करें अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में तो ये जो है जिसमें हम बैठे हैं 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसमें आपको 6-speed मैनुअल AMT का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ तो 115 PS का इसमें पावर है और 143 न्यूटन मीटर का इसमें हमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रेफरेबल चॉइस हो जाती है, और मेरे ख्याल से इसका डीजल इंजन जो ह्यूंडई का डीजल इंजन है ना वो सबसे बेस्ट होता है। और 115 PS की और उसमें डीजल इंजन में हमें मिल जाती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें उसमें देखने को मिल जाता है, जो टॉर्क है और पावर है जो काफ़ी कम RPM पर हमें उसमें मिल जाता है। बाकी इसमें आपको 7-speed DCT का ऑप्शन भी मिलता है टर्बो इंजन के साथ, उसमें आपको जो है 120 PS की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो तीन इंजन ऑप्शन से CNG का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। और बाकी सीट्स कंफर्ट की काफ़ी अच्छी है, सीट जो है फैब्रिक में मिलती है, इसका जो ऊपर का वेरिएंट है उसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन ये जो वेरिएंट है फीचर्स और सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ह्यूंडई वर्ना का सीट का कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा, फ्रंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मेरी हाइट जो है 5'7" 5'8" है, तो मेरे हिसाब से आप जो है मैंने इसको एडजस्ट किया है। इसमें आपको जो है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से जो है एडजस्ट कर चुका हूँ मैं इसको, और इसमें डेड पेडल भी अवेलेबल है तो ये अच्छी बात है, कन्वीनियंस फीचर हो जाता है। और मेरी जो सीट हाइट के थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा सा आगे लग रहा है बस, अब ठीक है, क्लच पूरा दब रहा है सही से, तो अब मैंने जो है अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लिया है। और हेडरूम आप देखेंगे, हेडरूम मुझे कुछ इतना मिल रहा है, मेरी हाइट जो है 5'7" 5'8" है, आप अगर 5'7" 5'8" हो तो रिलेट कर पाओगे इजीली। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी जो है मुझे काफ़ी सही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, अपने हिसाब से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको जो है टेलीस्कोपिकली आप आपके स्टेयरिंग को जो है एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो एक कम फीचर हमें देखने को मिल जाता है, होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जैसे इसको हम स्पोर्ट्स पेरेंट मान सकते हैं अगर हम इसे IT वगैरह से कंपेयर करें, तो SX ऑप्शन को हम स्पोर्ट्स में करें तो उनमें ये फीचर आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत से फीचर हैं जो अच्छे भी दिए हैं। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता, इसके ऊपर के वेरिएंट में मिलेगा, तो कुछ वो भी एक फीचर है जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बाकी स्टीयरिंग जो है लेदर रैप्ड है, इसका वो काफ़ी अच्छा फील देता है मुझे पकड़ने में, स्टीयरिंग को काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, जो कंपनी का जो फिनिश होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी इसमें आपको जो है हेडरेस्ट जो है फ्रंट वाले एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, रियर वाले जो हैं एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। चलते हैं पीछे की तरफ, मैंने इस सीट को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है और पीछे की सीट पे हम जाकर देखेंगे कि कितना स्पेस हमें इसमें देखने को मिलता है। बाकी कुछ टच एंड फील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको जो है हार्ड टच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक सॉफ्ट फैब्रिक दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ भी फैब्रिक दे दिया होता तो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है वो भी ठीक लग रहा है। और बाकी बॉटल होल्डर काफ़ी बड़े हैं, 1 लीटर के बॉटल होल्डर आराम से आ जाएगी बॉटल्स में आ जाएगी, और यहाँ पर फिर भी कुछ जगह बच जाती है जहाँ आप कुछ सामान रख सकते हो। बाकी हम अब आ गए हैं पीछे की सीट पे, अगर मैं बात करूँ नी रूम की तो नी रूम जो है मुझे कुछ इतना मिल रहा है, तो 5'7" 5'8" वाले इंसान के हिसाब से जो है ड्राइवर सीट एडजस्टेबल है। अगर आपकी फैमिली में इसी हाइट के लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको नी रूम देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर क्या होता है वरना में लोगों को नी रूम वगैरह की प्रॉब्लम ही आती है, ज़्यादा लंबे लोग होते हैं आपकी फैमिली में तो, बट मेरी फैमिली में इतने लंबे लोग नहीं है, 6 फीट से ऊपर कोई भी नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी सही है।
जिनके फैमिली में थोड़े 6 फुट से ज़्यादा लोग हैं तो उनको नहीं, रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ड्राइवर भी 6 फुट, पीछे भी 6 फुट, तो सब जगह 6-6 फुट के लोग होंगे, तो ऑब्वियसली यार काफ़ी सारी गाड़ियों में इसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अंडर साइज सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैरों को स्ट्रेच करने के लिए नीचे भी ड्राइवर सीट के नीचे भी जगह मिल जाती है। बाकी हम और कुछ एमिनिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ आपको ग्रैब हैंडल देखने दिया हुआ है जो कि वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, आपको यहाँ कोट हैंगर भी दिया हुआ है, बाकी मेटल फिनिश में आपको इनसाइड डोर ओपनर दिए हुए हैं और यहाँ से जो है आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, बाकी पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ सामान रखने की जगह और यहाँ से आप जो है डोर को ओपन भी कर सकते हो इस तरह से, यहाँ से पकड़ के आपको ओपन करना ही है। और बोतल होल्डर आपको जो है 1 लीटर का देखने को मिल जाता है, तो बोतल होल्डर जो है 1 लीटर की बोतल के लिए सफिशिएंट है, 1 लीटर की बोतल जो है इजीली इसमें फिट हो जाती है। और पीछे भी हम पीछे की सीट पर भी जो है अब हम बोतल लगा के देखते हैं बोतल होल्डर में, तो इजीली जो है फिट हो गई है। तो कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है मतलब फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली यार 3-4 बोतल तो रहती हैं, तो 1, 2, 3, 4 लीटर पानी आप आराम से कैरी कर सकते हो, उसके बाद तो ब्रेक लेना ही है। बाकी यहाँ आपको जो है एसी वेंट देखने को मिल जाता है और काफ़ी जो हुंडई की सभी गाड़ी में आपको एसी वेंट देखने को मिलता है ये रियर में, और इसके नीचे जो है आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है जो कि USB वाला है, 12 वोल्ट का नहीं है ये, तो ये भी सही चीज़ है। 12 वोल्ट में फिर उसको वो खरीदो, फिर उसमें 2 USB आती हैं जो होता है वो, ये अच्छा है। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है सीट बेल्ट के लिए वो दिया हुआ है जो कि मेरा काफ़ी अच्छा फीचर मुझे ये लगता है, अच्छा है यार ये चीज़ होनी चाहिए, ड्राइवर की हाइट के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। बाकी आपको जो है इल्यूमिनेशन पीछे भी दिया हुआ है जो कि येलो लाइट है, LED होती तो अच्छा होता। बाकी सबसे प्रीमियम फीचर जो मुझे लगता है ना इस गाड़ी का वो है ये, आप जो है पीछे सनसेट आपको देखने को मिल जाता है यार, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है यार इसको लगाना, धूप में कभी पीछे से धूप आती तो सही रहता है। बाकी जो पीछे दिया हुआ तो यहाँ पर भी दे देना चाहिए था जो कि प्रीमियम टच हो जाता, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका ये वाला जो फीचर अच्छा लगा। बाकी इसमें आपको जो है आर्मरेस्ट दिया हुआ है और आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट है यार ये, अच्छा खासा आर्मरेस्ट नीचे नहीं जा रहा है, पूरा हाथ रखने में जो है अच्छा लगता है। आप जो है 4 लोग जब बैठे होते हैं ना तब तो काफ़ी ज़्यादा काम आता है आर्मरेस्ट, आराम से जाते हो आप गाड़ी के अंदर। बाकी SX वेरिएंट में मुझे जो कमी लगती है वो लगती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट की, इसमें होने चाहिए थे, लेदर सीट मत दो लेकिन यार एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो दे देना चाहिए, सीट कवर तो बाद में लग जाते हैं लेकिन ये जो लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो बाकी ठीक है इसमें बस उसी की कमी लगती है रियर सीट पे, मुझे बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर का कलर जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप जैसे इस डैशबोर्ड का लुक भी देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटीरियर का लुक, सीट्स वगैरह जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, कम्फर्टेबल हैं, फैब्रिक जो है सीट का काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली सीट कवर तो लगवाना ही होता है लोगों को। बाकी यहाँ पर भी आपको जो है फैब्रिक का टच दिया हुआ है, यहाँ नहीं है। बाकी मैं अगर सीट पॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई पॉकेट अवेलेबल नहीं है लेकिन जो पैसेंजर सीट है उस पर आपको पॉकेट मिल जाती है, तो ये एक फ़ीचर है। बाकी अगर मैं बात करूँ उसके डायमेंशन की तो आपको जो लेंथ मिलती है वो 4440 mm की देखने को मिल जाती है, काफ़ी लंबी ये गाड़ी है, सी सेगमेंट सेडान हम इसे कहते हैं, और विड्थ जो है इसकी 1729 mm की हमें देखने को मिल जाती है। बाकी हाइट जो है इस गाड़ी की 1475 mm की है, और व्हील बेस की अगर हम बात करें तो व्हील बेस आपको इसमें जो है 2600 का मिल जाता है जो कि अंदर जो है स्पेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। बाकी अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195/55 सेक्शन पे है जो है 16 इंच के अलॉय व्हील पे हमें 165 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो। बाकी इंजन बे को हम देख लेते हैं, इंजन बे को ओपन करने के लिए यहाँ से आप हुड ओपन कर सकते हो, यहाँ पर आपको ABC पेडल दिया हुआ है, डेट पेडल भी दिया हुआ है, ये मैनुअल कार है, और कुछ इस तरह का आपको इसमें इंजन बे देखने को मिलता है, ये जो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, इसमें आपको 115 PS की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी डीजल और जो टर्बो इंजन के इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे डीजल पे आपको जाना चाहिए अगर आप वरना ले रहे हो तो, बाकी ऑब्वियसली कोई इसी की बहुत कम रनिंग है तो वो पेट्रोल पे भी जा सकता है। बाकी कुछ इस तरह का आपको यहाँ इंसुलेशन भी दिया हुआ है तो जो कि काफ़ी अच्छा है, लुक्स के मामले में काफ़ी अच्छी है, इंजन में भी काफ़ी स्मूथ इंजन है, 4 सिलेंडर की इंजन है, इसको बंद कर देते हैं अब।
अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए किसी भी हुंडई की कार के बारे में तो आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर, यहाँ आपको जो है इस शोरूम के नंबर वगैरह शो हो रहे होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस कार के बारे में या किसी और कार के बारे में। अगर आप किस गाड़ियों में कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी बाई करनी है तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो soul_biker1rextra। उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक वगैरह मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इस शोरूम के नंबर भी मिल जाएंगे और आदित्य हुंडई नाम से नंबर होंगे तो वहाँ आप कॉल करके जो है कुछ और डिटेल्स भी चाहिए ऑन रोड प्राइस वगैरह के बारे में या फिर और किसी वेरिएंट के बारे में तो आपको डिटेल मिल जाएंगी, कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।